शाह, मैं अजय गर्ग, आप देख रहे हैं सन सेवन न्यूज और मुख्यमंत्री ग्रामीण क्षेत्रीय मुहिम के तहत ग्राम समयपुर में, और हमारे साथ हैं यहाँ के नव निर्वाचित प्रधान राकेश सिंह तोमर जी। आइए पेशेंस वॉचिंग। अपने गाँव में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, कुछ सड़कें हैं, दुनिया भर की बातें हैं, पर सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि पेयजल की जी, और यहाँ का जो पानी है वो दूषित हो चुका है जी, और बिना आर लगाए या पानी फिल्टर करे नहीं जी। मतलब ये कि जो टंकी का पानी है जो 400 फुट चल गया आ रहा है जी, वो भी खराब। अब बात ये है कि मेरी तो टाइम इतना हुआ है जी, 6 महीने हुए हैं अभी जी प्रधान बने जी, और अभी कोई स्कीम डीएम साहब ने पूरी नहीं जी, गाइडलाइन नहीं दी, बस ये नल ठीक करवा दिए जी, 25-30 नल है ठीक करवाए जी, और तो कोई काम नहीं है, तालाब या सफाई कर रही काम जी, बड़ी नाली खरीद जो कि बस जैसे प्रधान ने उस साइड में करवा ली थी, अब इस साइड में तो नहीं नाली परंदे वगैरह नहीं। हमारा तो ये है कि भाई गाँव में सड़के पूरे गाँव में जी, एक तो ये टैर वाली ये भी जाए जी, सीमेंटेड जो ईट जी हाँ जी हाँ, ये भी जाए, और पेयजल का कुछ ना कुछ समाधान, नल खराब पड़े थे जी एक साल से वो पूरे ठीक करवा। अब देखिए हमारे गाँव में सबसे बड़ी समस्या ये भी है जी, गाँव का पानी कहीं खा नहीं निकलने के, हमारे पास है यहाँ से 3-4 किलोमीटर पर सोइया मंगलामल गांव है जी, इसके बराबर में कि कोई ऐसा साधन हो जाए या गवर्नमेंट ऐसा करवा दे जिसमें नाला मिल जाए जी, ये समझिए जो तालाब साफ करवा रहे हैं जी, उसके आगे पोखर है, पोखर से पानी जो है उधर चला जाए जी बिल्कुल, तो फिर गांव में जो है समस्या कम हो जाएगी जी हाँ। निकासी 6 महीने हो गए मेरे यहाँ जी, मिलते मिलकर खाना बनते हुए जी, आप आइए उसके खाइए बिल्कुल, नहीं पहले चलते हैं उसके बाद में ही बच्चों को दिया जाता है। देखिए पिछले बार ऐसा हुआ, अभी जब बाढ़ संभाला जी, जब से राशन नहीं करता जी, जनवरी के महीने से मैं इनके पीछे लगा राशन वाला था जी, और मैंने बंटवारा उसके तरफ एक की नहीं लगनी थी, पूरी बैठक हुई थी कब तक जी, अब तक तो हो नहीं पाई, संख्या के अभाव में जो है कैंसिल कर दी जी, अब देखते हैं अगर संख्या का अभाव नहीं हुआ इस बार तो किसी ना किसी को हो जाएगी। देखिए गाइडलाइन नहीं आई, गाइडलाइन आएगी तो फिर देख लेंगे कितनी आई है जी, और कितना हम करवा सकते हैं ज़्यादा से। वैसे ये है कि गाँव में ज़्यादातर आदमी को तो प्रधान जानता ही जी हाँ, ये तो उसकी सोच है, वो किसको करता है किसको नहीं करता। गरीबों का राशन है, जिनका गरीबों का है आप पूछिए, पिछले 5 साल तक कोई गल्ला नहीं बटा पा रहा जी, इस जनवरी से मैंने बंटवाना शुरू करा है तो बहुत गल्ला। मैं राकेश सिंह तोमर, ग्राम समयपुर, जिला मेरठ है, ब्लॉक रजपुरा, मैं सभी देशवासियों और ग्रामवासियों और ग्रामवासियों को आने वाली चीज की शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अजय गर्ग, आप देख रहे हैं सन सेवन न्यूज और हमें ग्राम मुरादपुर में। आइए जानते हैं कि यहाँ की राशन प्रणाली कैसी चल रही है जी। बढ़िया चल रही है, यहाँ पात्र लोग कितने हैं? 700। आपके अंदर में गांव कितने आते हैं? 3 है, 2 सभी जी, तो सभी कार्ड धारक आपसे संतुष्ट हैं, किसी को शिकायत नहीं है, सभी को आप जो है उचित मूल्य पर राशन बांटते हैं ठीक। तो देखा आपने यहाँ पर राशन प्रणाली बिल्कुल दुरुस्त तरीके चल रही है, सभी को, सभी पात्र कार्ड धारकों को उचित मूल्य पर सभी राशन दिया जाता है।